सिर्फ नीरज ही नहीं, ओलंपिक में देश का एक और बेटा जिसने कमाल किया, बजरंग पुनिया कुश्ती में कांस्य पदक बजरंग पुनिया ने भी जीता। कल एबीपी न्यूज संवाददाता कुंतल चक्रवर्ती ने बजरंग पुनिया से खास बातचीत की। देश को ब्रॉन्ज मेडल दिया है बजरंग ने, बजरंग क्या कहेंगे, एक बेहतरीन मोमेंट देश के लिए, आपके लिए। चोट लगी थी आपको ओलंपिक से पहले, लेकिन इसके बावजूद भी आपने वो कर दिखाया जो सबको चाहिए था, देश को चाहिए था। देखिए बहुत बहुत धन्यवाद, पर जो देश को चाहिए था वो नहीं हो पाया, क्योंकि देश सभी देशवासी गोल्ड की उम्मीद लगाए बैठे थे। पर मैं आगे 2-3 साल बचे हैं 24 के लिए, पेरिस के लिए, तो मैं और ज़्यादा मेहनत करूँगा और आगे जो पेरिस में मैं उम्मीद करता हूँ, मैं इतनी मेहनत करूँगा कि देशवासियों को एक बार फिर से मैं मौका दूँ और वो गोल्ड के साथ वो मौका देश को जश्न मनाने का दूँ मैं। बजरंग, जब आपका ये ब्रॉन्ज मेडल बाउट चल रहा था, एबीपी न्यूज के दफ्तर में भी सब टीवी के सामने ये बाउट देख रहे थे, ऐसा लग रहा था कि सब टोक्यो पहुंच गया है। कहीं दंगल का, कहीं सुल्तान का गाना चल रहा था, अलग अलग मूवी भी बनी है कुश्ती पर, आपको कौन सा अच्छा लगता है? कल एक ऐसा माहौल था शायद ही देखने को मिलता है। देखिए बिल्कुल अच्छा लगता है खिलाड़ियों पर जब मूवी बनती है, और देखिए हम उस खेल में जुड़े हैं, उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और जो खिलाड़ियों के ऊपर मूवी बनती है वो लोगों को एक मतलब मनोरंजन के लिए कि भाई वो कितनी मेहनत करते हैं उसमें, तो वो बहुत कम दिखाते हैं। 3 घंटे की मूवी में आप पूरी स्टोरी दिखा देते हैं, तो वो बहुत कम मेहनत दिखाते हैं। मेहनत बहुत लगती है और बहुत से लोगों की लगती है उनके पीछे, खिलाड़ियों के पीछे। ABP News, आपको रखे आगे।